नमस्कार, मेरा नाम अहमद और गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और अमेजन की तरफ से द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीजन सेल स्टार्ट हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको स्मार्टफोन्स पे भी काफ़ी अच्छी डील्स और ऑफर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट के स्मार्टफोन ऑफर की, तो वो स्टार्ट हो रहे हैं आज रात को 12 बजे से। कहने का मतलब, जो भी आपको स्मार्टफोन ऑफर चाहिए वो किसी भी ब्रांड के लिए, तो वो आपको आज रात को 12 बजे से देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप Realme 2 Pro भी लेना चाहते हैं तो भी आप खरीद सकते हैं आज रात को 12 बजे से। हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं सेल के बारे में, जहां पर हमने आपको बताया था कि कौन कौन से फ़ोन आपको लेने चाहिए सेल में और कौन कौन से नहीं लेने चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो। वहां पे बहुत सारे लोगों ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि इस बजट में कौन सा फ़ोन आप सजेस्ट करते हैं और इस बजट में मुझे कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि हर प्राइस पॉइंट पे आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट है। मतलब लगभग 5,000 रुपये, लगभग 8,000 रुपये, लगभग 10,000 रुपये, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, जो भी आपका बजट हो उसमें आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट होगा, वही आज हम आपको सजेस्ट करने वाले हैं। साथ ही कुछ क्वेश्चंस का भी आंसर देंगे जो कि आपने हमसे पूछे थे कम्युनिटी टैब में, और हो सकता है वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी बातों के बारे में और ज़्यादा, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सिर्फ दो लाइन कहना चाहूंगा। पहली तो ये कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये कोई पेड वीडियो नहीं है। जो भी मैं आपको सजेशन दूंगा वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दूंगा, जो मैंने फोन्स यूज़ किए हैं, जो मुझे अच्छा लगा वही मैं आपको बताऊंगा। तो हो सकता है कि आपके व्यूज़ अलग हों, आपका एक्सपीरियंस अलग हो किसी ब्रांड के साथ में, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है, अगर मुझे कोई फ़ोन लेना है इस प्राइस पॉइंट पे, तो मैं वही पिक करूंगा और आपको अलग अलग कैटेगरी में बताऊंगा कि फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पोजीशन पे ये है, थर्ड पोजीशन पे ये है। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो हो सकता है आपका व्यूज़ अलग हो, आपके एक्सपीरियंस अलग हो, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा उसका एक रीज़न भी दूंगा कि यह फ़ोन मैं आपको इस पोजीशन पे क्यों रख रहा हूं। और दूसरी बात यह कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि टैक वीडियोस हम अपने चैनल पे डेली अपलोड करते हैं। और साथ में लगा बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिल जाएँ। तो चलिए आप करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडर 5,000 या फिर आप कह सकते हैं लगभग 5,000 रुपये की प्राइस में आपको कौन से फ़ोन पर जाना चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि सेल के नाम पर यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जो वैसे तो बिकते नहीं हैं, लेकिन सेल में 1-2 हज़ार रुपये का डिस्काउंट देकर आपको ऐसे दिखाएंगे फ़ोन जैसे कि बेस्ट फोन। यहाँ पर आपको माइक्रोमैक्स के फ़ोन या फिर इंटेक्स के या फिर पैनासोनिक के, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको उनको चूज़ नहीं करना है। अगर आपका बजट है लगभग 5,000 रुपये, तो इन्फिनिक्स का स्मार्ट 2 ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 5,999 रुपये, लेकिन इस सेल में आपको मिलेगा ये 4,999 रुपये की प्राइस में। सारे लेटेस्ट फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, वो चाहे फिर 18:9 वाला डिस्प्ले हो या फिर ड्यूल 4G वोल्टी हो। नो डाउट 5,000 रुपये की रेंज में इससे अच्छा फ़ोन नहीं हो सकता। तो ये है 5,000 की रेंज में एक अच्छा फ़ोन। अब बात करते हैं लगभग 7,000 रुपये की प्राइस में। जी हाँ, अब आपको हर 2-3 हज़ार रुपये की प्राइस में एक फ़ोन देखने को मिल जाता है, और एक नहीं बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फ़ोन लिया जाए। तो अब हम बात कर रहे हैं लगभग 7,000 रुपये की प्राइस में आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, चाहे फिर रेडमी हो, चाहे फिर पैनासोनिक हो, चाहे फिर रियलमी हो, या फिर हो और कोई ब्रांड। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस पोजीशन में सबसे पहले रखूँगा रियलमी C1 को। उसका क्या रीज़न है, सबसे पहले इसका जो बैटरी है वो 4230mAh का आपको देखने को मिलता है। इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, और जो इसका कैमरा है, नो डाउट आपको ऐसा कैमरा 9-10 हज़ार रुपये की प्राइस में देखने को मिलता है, और वही कैमरा आपको 7,000 रुपये की प्राइस में देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें छोटी सी गड़बड़ ये है कि इसमें आपको मिलता है 2GB रैम और 16GB का स्टोरेज। तो अगर आप इससे काम चला सकते हैं तो इससे अच्छा फ़ोन नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए 3GB रैम और 32GB का स्टोरेज, फिर आप जा सकते हैं Redmi 6A पे। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसमें आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, जबकि आप जानते हैं Realme C1 में आपको स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है 7,000 रुपये, तो आप जाइए Realme C1 पे। अब बात करते हैं 10,000 रुपये की प्राइस में, मतलब 9 से 10,000 रुपये की प्राइस में। तो इसमें पहली पोजीशन पे आता है नोकिया का 5.1 प्लस। जी हाँ, यह फ़ोन आपको मिलता है 10,999 रुपये की प्राइस में, लेकिन सेल में आपको ये मिलेगा 10,499 रुपये की प्राइस में। यहाँ पर हम बैंक ऑफर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि बैंक ऑफर सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अगर मेरे पास HDFC बैंक का कार्ड नहीं है तो मैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ, इसलिए हम बैंक ऑफर की बात नहीं करेंगे। अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो यह फ़ोन आपको मिलेगा 10,499 रुपये की प्राइस में।
इसमें क्या मिलेगा आपको, MediaTek का Helio P60 चिपसेट जो कि काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो डिज़ाइन काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कैमरा, तो एक अच्छा कैमरा आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात, नोकिया का ब्रांड, नोकिया का डिज़ाइन, नोकिया का प्रीमियम बिल्ड, तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपये की प्राइस में ऐसा अच्छा फ़ोन नहीं हो सकता, इसीलिए मैं रख रहा हूँ इसको पहले पोजिशन पर। सेकेंड पोजिशन की बात करते हैं तो वो आता है आसूस का ZenFone Max Pro M1, 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ में। इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो आपको मिलता है 10,999 रुपये, लेकिन सेल में आपको ये मिलेगा 9,999 की प्राइस में। यहाँ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है 5000mAh का बैटरी, यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस, स्नैपड्रैगन का 636 चिपसेट, ड्यूल रियर कैमरा सेटअप है और एक मेटलिक बॉडी देखने को मिल जाती है। तो मेरी लिस्ट में ये है दूसरे नंबर पे। और अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है Realme 2। जी हाँ, इसको हम इसलिए रख रहे हैं लिस्ट में क्योंकि यहाँ पर आपको एक अच्छा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, बैटरी काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ हमने इसका बैटरी डेंट टेस्ट भी किया था जो कि लगभग 9 से 10 घंटे का सर्वाइवल टाइम था, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा बैटरी है। कैमरा एक डिसेंट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 3GB रैम 32GB स्टोरेज की, जो कि आपको मिलता है 8,999 रुपये की प्राइस में। इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड है तो आप इस पर डिस्काउंट लेकर लगभग 8,000 रुपये का फ़ोन ले सकते हैं, तो उस प्राइस में एक अच्छी डील है। तो यहाँ पर यह थे ऑलमोस्ट 10,000 रुपये की प्राइस में। अब 10,000 रुपये की प्राइस में आपको बहुत सारे ऑप्शन और भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि Moto X4 या फिर Moto Z2 Play, ऐसे काफ़ी सारे फ़ोन आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, लेकिन यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट फीचर है, चाहे फिर 18:9 वाला डिस्प्ले हो, चाहे फिर ड्यूल 4G वोल्टी हो, ऐसे फीचर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर आप इनके बिना काम चला सकते हैं तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत अच्छी डील है, लेकिन अगर आप काम नहीं चला सकते, अगर आपको लेटेस्ट फीचर ही चाहिए, तो फिर आपको जो पहले मैंने आपको तीन फ़ोन बताया उसी के ऊपर जाना चाहिए। अब बात करते हैं लगभग 12,000 रुपये की प्राइस में, तो यहाँ पर मेरी लिस्ट में सबसे पहले आता है Redmi Note 5 Pro, जो कि आपको मिलता है सेल प्राइस में 12,999 रुपये की प्राइस में। वैसे इसका जो ओरिजिनल प्राइस है 14,999 रुपये का है, तो यहाँ पे आपको फ्लैट 2,000 रुपीज़ का ऑफ देखने को मिलेगा। जी हाँ, एक परफेक्ट फ़ोन है, चाहे अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, चाहे हम बात कर लें डिज़ाइन की, चाहे हम बात कर लें बिल्ड क्वालिटी की या फिर बैटरी की, यहाँ पे आपको परफेक्ट कैमरा कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है और 12,999 रुपये की प्राइस में, मतलब लगभग 12,000 रुपये की प्राइस में एक बेस्ट डील है और ये हमारी लिस्ट में सबसे पहले है। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये कहेंगे कि Asus ZenFone Max Pro M1 का 4GB रैम और 6GB रैम आपने क्यों सजेस्ट नहीं किया, तो उन सभी को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये जो मैं आपको फ़ोन बता रहा हूँ, जो रिकमेंड कर रहा हूँ, ये सब मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो कोई पेड वीडियो है, स्पॉन्सर वीडियो है कि ब्रांड ने बोल दिया तो आपको वही फ़ोन रिकमेंड करूँ। जी ऐसा नहीं है, ये जो सभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये मैंने सभी फ़ोन्स यूज़ किए हैं और जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा उसी के अकॉर्डिंग ये लिस्ट बनाई गई है। तो अगर हम बात करते हैं कि Asus का 4GB रैम और 6GB रैम मैं आपको क्यों सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, हालांकि अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो बहुत अच्छा डील है, ऑलमोस्ट 2,000 रुपये का डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है, तो उस प्राइस में बहुत ही अच्छा डील है। लेकिन वही वाली बात जो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली Asus के ZenFone Max Pro M1 में, पहला तो इसका कैमरा, क्योंकि Asus ने इसको बहुत सारे अपडेट दिए हैं लेकिन इसका कैमरा अभी तक भी फिक्स नहीं हुआ है और बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, चाहे वो फिर लो लाइट कंडीशन वाली बात हो, चाहे फिर नॉर्मल कंडीशन वाली बात हो। आपने बहुत सारे कंपैरिजन ऑलरेडी देख लिए होंगे, इस प्राइस में Redmi Note 5 Pro का कैमरा बेस्ट है। जी हाँ, आप सभी जानते होंगे और ये मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें दूसरी कमी की, तो यहाँ पर आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है या फिर फेस अनलॉक होता है, उसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ अच्छा देखने को मिलता है एक तो बैटरी, जो कि 5000mAh का है, एक स्टॉक एंड्रॉयड, तो सिर्फ यही आपको अच्छी देखने को मिलेगी आपके Asus ZenFone Max Pro M1 में, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। और इसीलिए मैं Redmi Note 5 Pro को सजेस्ट कर रहा हूँ, जो कि एक परफेक्ट डिवाइस है, जहाँ पर आपको एक अच्छा बैटरी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको एक अच्छा कैमरा देखने को मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, तो इसीलिए मैं आपको Asus का ZenFone Max Pro M1 सजेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इस बात पे कमेंट करेंगे कि आपकी शायद Asus से दुश्मनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस था Asus ZenFone Max Pro M1 के साथ में, वो बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए मैं आपको फ़ोन सजेस्ट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो वहाँ पर आता है Realme 1, 6GB रैम 128GB वेरिएंट, जो कि आपको मिलता है 12,990 रुपये की प्राइस में। जी हाँ, इसका जो सेल प्राइस है वो 12,990 रुपये है, और वैसे इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 13,990 रुपये है। यहाँ पर आपको मिलता है MediaTek का Helio P60 चिपसेट, काफ़ी पावरफुल चिपसेट है, आप सभी लोग जानते होंगे। कैमरा एक डिसेंट कैमरा आपको देखने को मिलता है, बैटरी 3410mAh का है, लेकिन आपने बहुत सारे बैटरी डेंट टेस्ट में इसका परफॉर्मेंस भी देखा ही होगा, ऑलमोस्ट 4000mAh
तक का आपको बैटरी बैकअप दे देता है। कहने का मतलब यह है कि Redmi Note 5 Pro जितना बैटरी बैकअप देता है उतना ही ऑलमोस्ट बैटरी बैकअप आपको Realme 1 में भी देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से एक डिसेंट फ़ोन है और 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में आपको मिलता है 12,990 रुपये की प्राइस में। अब चलते हैं 15,000 रुपये की प्राइस की लिस्ट में। जी हाँ, 15,000 की प्राइस लिस्ट में भी आपको बहुत सारे फ़ोन और देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं रखना चाहूँगा Realme 2 Pro को, जहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट। जी हाँ, स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन साइज अच्छा है, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा है, कैमरा क्वालिटी अच्छा है। और बात करते हैं सिक्योरिटी फीचर्स की, जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर फेस अनलॉक की, ये सारी ही चीज़ें मुझे इसमें अच्छी देखने को मिली हैं। तो मैं कहूँगा एक डिसेंट फ़ोन है, चाहे आप लेना चाहें 4GB रैम वेरियंट, चाहे आप लेना चाहें 6GB रैम वेरियंट, दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं। 4GB रैम वेरियंट आपको मिलता है 13,990 रुपये का, जबकि 6GB रैम वेरियंट आपको मिलता है 15,990 रुपये का। दूसरे नंबर पर आता है MIUI 2। जी हाँ, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, सिर्फ यहाँ पर कुछ कमियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि 3.5 जैक नहीं है या फिर आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलता, सिर्फ यही कमियाँ हैं। बाकी अगर आप कैमरा देखना चाहेंगे, एंड्रॉइड 1 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आपको देखने को मिलता है। डिज़ाइन ठीक ठाक सा डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। तो यहाँ पर आपको जो प्राइस मिल रहा है वो मिल रहा है 14,999 रुपये, जबकि इसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो था 16,999 रुपये। तो 14,999 रुपये की प्राइस में मैं कहूँगा एक अच्छा ऑप्शन है MIUI 2, और ये मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। अब बात करते हैं कुछ सैमसंग फैंस के लिए। जी हाँ, जो सैमसंग के फ़ोन लेना चाहते हैं उनके लिए On 6 या फिर On 8 आप ले सकते हैं, अच्छी डील में आपको देखने को मिल रहे हैं। लगभग 2 से 2,500 रुपये का आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो अच्छे ऑप्शन हैं, बुरे ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये डील सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि सैमसंग के फ़ोन लेना चाहते हैं और सैमसंग के अलावा और किसी फ़ोन को देखते भी नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नो डाउट On 8 एक अच्छा ऑप्शन है। On 6 की जगह अगर आप On 8 लेंगे तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब बात करते हैं 17,000 से 18,000 रुपये की प्राइस में। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि है Huawei का Nova 3 है जो कि आपको मिलता है लगभग 17,000 रुपये की प्राइस में, और है Honor का Play जो कि आपको मिलता है लगभग 18,000 रुपये की प्राइस में, और है Realme 2 Pro जो कि आपको मिलता है लगभग 18,000 रुपये की प्राइस में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रखूँगा Honor Play को। जी हाँ, Honor Play एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि आपको मिल रहा है अभी 18,000 रुपये की प्राइस में। और अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर, तो वहाँ पर मैं रखूँगा Huawei का Nova 3i को, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर होगा Realme 2 Pro का 8GB रैम वेरियंट। लगभग 17,500 रुपये की प्राइस में आपको मोटो का Z2 Force भी देखने को मिल जाता है, लेकिन वो फ़ोन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पर आपको लेटेस्ट फीचर देखने को नहीं मिलेंगे। जहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 835 चिपसेट देखने को मिलता है, और अगर आपको परफॉर्मेंस ही अच्छा चाहिए तो फिर आप Xiaomi का Poco F1 ले सकते हैं, जहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 845 चिपसेट देखने को मिलेगा 20,000 रुपये की प्राइस में। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा मोटो Z2 Force। बात करते हैं लगभग 20,000 रुपये की प्राइस में, तो यहाँ पर विनर एक ही फ़ोन है। जी हाँ, Xiaomi का Poco F1। अगर आपका बजट है लगभग 20,000 रुपये की प्राइस, तो आपको और किसी फ़ोन के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, और Xiaomi Poco F1 बेस्ट फ़ोन है इस प्राइस रेंज में। अब बात करते हैं लगभग 25,000 रुपये की प्राइस में, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ अगर हम गिने चुने ऑप्शन की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सैमसंग की, तो वहाँ पर आपको एक लेटेस्ट फ़ोन देखने को मिल जाता है जो कि है A7, जो कि आपको मिलता है 23,990 रुपये की प्राइस में। तो एक अच्छा ऑप्शन है 23,990 रुपये की प्राइस में, जहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपको एक कैमरा सेटिंग फ़ोन चाहिए, तो जी हाँ, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो आपको एक एवरेज देखने को मिलेगा, जो कि हमें लगभग 15-17,000 रुपये की प्राइस में देखने को मिल जाता है। कुछ वैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, तो परफॉर्मेंस आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते इससे, लेकिन हाँ, कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप कैमरा सेटिंग फ़ोन ढूंढ रहे हैं और आप सैमसंग के फ़ैन हैं, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। और लगभग 25,000 रुपये की प्राइस में आपको देखने को मिल जाता है Asus का Zenfone 5Z, जिसका प्राइस होता है 29,999 रुपये, लेकिन सेल प्राइस में आपको मिलेगा ये 24,999 रुपये की प्राइस में, जहाँ पर आपको मिलेगा 6GB रैम और 64GB का स्टोरेज। अब पिछले वीडियो में मैंने इसे सजेस्ट नहीं किया था, वहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, लेकिन आज भी मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगा। और एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा कि Asus से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा सोचना यह है कि अगर 25,000 रुपये मैं खर्च कर रहा हूँ, तो मैं 5,000 रुपये और एक्सटेंड करके OnePlus 6 लूँगा, जो कि आपको मिलता है 29,999 रुपये की प्राइस में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक तो सबसे पहली बात, कैमरा क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, यहाँ पर डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनके UI में, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, जो ब्रांड नेम है Asus और OnePlus में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात पे एग्री नहीं होंगे, लेकिन मेरा सोचना यह है कि Asus पे अगर 25,000 रुपये लगाया जाए, तो 5,000 रुपये और ऊपर करके OnePlus 6 खरीदा जाए, जिसका ब्रांड वैल्यू आप सभी जानते ही होंगे। तो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं लगभग 30,000 रुपये की प्राइस में, तो यहाँ पर आपको मिलते हैं दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन OnePlus 6, ऑफकोर्स
जो कि आपको मिलेगा 29,999 रुपए की प्राइस में, तो अच्छा डील है। और इसी लिस्ट में बात करते हैं दूसरी पोजीशन की, तो वो है सैमसंग का S8। जी हाँ, यह फोन आपको मिलता है 45,990 रुपए की प्राइस में, लेकिन सेल में आपको ये मिल रहा है 29,990 रुपए की प्राइस में, तो ये एक अच्छा डील है। और अगर आप सैमसंग के फैन हैं, सैमसंग के फोन आपको पसंद हैं, तो इस डील को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ही डिसेंट फोन है, बहुत ही मैं कहूँगा अमेजिंग फोन है इस प्राइस के अकॉर्डिंग। और कुछ मामलों में तो ये OnePlus 6 से भी आगे है, लेकिन कुछ मामलों में ये OnePlus 6 से पीछे भी है। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा फ़ोन है, अगर आप Samsung के फ़ोन पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये फ़ोन पे जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो डेफिनेटली फिर वो OnePlus 6 पहले नंबर पे आता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ डील जहाँ पर हमने आपको बताया कि कौन से प्राइस पॉइंट पे कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। उम्मीद है आपको ये डील पसंद आई होंगी। और एक बार फिर से बता दूँ कि ये जो भी हमने आपको बताया है, जो भी आपको रिकमेंड किए हैं, वो सभी हमारे एक्सपीरियंस डील्स हैं। मीन्स हमने जो फ़ोन यूज़ किए हैं उनके साथ में जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ये लिस्ट बनाई गई है। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि आपने हमसे पूछे थे कम्युनिटी टैब में। जो सबसे कॉमन क्वेश्चन मुझे देखने को मिला वो ये था कि Redmi Note 5 Pro लिया जाए या Realme 2 Pro लिया जाए, क्योंकि Redmi Note 5 Pro का जो प्राइस कम करके रखा गया है 12,999 रुपये, तो 1,000 रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि Realme 2 Pro Redmi Note 5 Pro से बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी मॉडर्न देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको डिज़ाइन भी अच्छा देखने को मिलता है, कैमरा ऑलमोस्ट सेम है। तो मेरे हिसाब से 1,000 रुपये के चक्कर में आपको Realme 2 Pro को नहीं छोड़ना चाहिए। और Redmi Note 5 Pro से कंपैरिजन करते हैं तो Realme 2 Pro मेरे हिसाब से बेटर फ़ोन है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो वो था कि HDFC कार्ड से हमें कितना डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो HDFC कार्ड से आपको अलग अलग दिन पे अलग अलग लिमिट डिसाइड कर दी गई है। जैसे कि अगर आप 11 तारीख को शॉपिंग करते हैं या 10 तारीख को शॉपिंग करते हैं, तो आप 2500 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हैं, वो चाहे फिर एक प्रोडक्ट पे आप लेना चाहते हैं या फिर अलग अलग प्रोडक्ट पे लेना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप एक दिन में मैक्सिमम डिस्काउंट की जो कैपिंग है वो डिसाइड कर दी गई है। जैसे कि आज की लिमिट है 2500 रुपये या फिर कल की लिमिट है 1500 रुपये, तो उसी के अकॉर्डिंग आप शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं टोटल लिमिट की, तो 12,000 रुपये का आप डिस्काउंट ले सकते हैं इन 5 दिनों में। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था कि मोटरोला का Z2 Play या फिर मोटो X4 लिया जाए या नहीं लिया जाए 10,000 रुपये की प्राइस में, तो इसका हम आंसर पहले ही दे चुके हैं कि उसमें आपको जो लेटेस्ट फीचर है वो देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि ड्यूल 4G वोल्टी हुआ या फिर 18:9 वाला डिस्प्ले हुआ। अगर आप उसके बिना काम चला सकते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन मोटो Z2 फोर्स को भी देखने को मिले, जो कि लगभग 17,500 रुपये की प्राइस में दिया गया है, एक अच्छी डील में दिया गया है, लेकिन वो फ़ोन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा और ऊपर पैसा लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा ऑप्शन देखने को और मिल जाते हैं। इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन था कि क्या लिनोवो का K8+ लेना चाहिए, तो वो भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो भी पुराना फ़ोन है, जहाँ पर आपको MediaTek का Helio P25 का चिपसेट देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो वो 16:9 का है, डिज़ाइन भी बहुत पुराना सा है, तो मेरे हिसाब से वो रिकमेंडेड फ़ोन नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाता है। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थे वो यही क्वेश्चन थे। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, हम कोशिश करेंगे आपका कमेंट का रिप्लाई करने की। तो यही था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। और अगर आपको सच में हमारा कंटेंट अच्छा लगा और अगर आप कोई फ़ोन खरीदना चाहते हैं, तो हमारे जो नीचे दिए गए लिंक है उससे अगर आप खरीदेंगे तो हमें कुछ थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, और अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो वो आपकी मर्जी है, इसमें कोई भी जोर दबस्ती वाली बात नहीं है। तो यही था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहे।